क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनना है फर्स्ट प्रोडक्ट, और सेकंड प्रोडक्ट आपका इसमें बनना है वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट होता है आपके पास CO3। ठीक है, कैल्शियम की बैलेंसी होती है 2+, कार्बोनेट की बैलेंसी होती है 2-, बैलेंसी एक्सचेंज होकर CaCO3 बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस आपका हो गया वाटर। ठीक है, अब देखो ये चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम वन, कैल्शियम इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, और CO2 में भी O कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो कार्बोनेट में कितने ऑक्सीजन है, 3, और वाटर में कितने हैं, 1, तो 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी आपका क्या हो गया, बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पर OH में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और प्रोडक्ट में देखते हैं वाटर के पास है 2S2, तो ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। दिस इज़ योर आंसर, ऐसे ही लिख कर छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये हो गई आपकी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन बी, सेवेंथ का बी आपको दे रखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, और प्रोडक्ट आपको मिला है इसमें जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। ठीक है, अब पहले ये इक्वेशन नोट डाउन करते हैं, जिंक Zn, ठीक है, सिल्वर होता है Ag, और नाइट्रेट होता है आपका NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट, और जिंक नाइट्रेट होता है आपके पास Zn NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक की बैलेंसी होती है 2+, नाइट्रेट की होती है 1-, बैलेंसी एक्सचेंज होगी तो NO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट था, सिल्वर की बैलेंसी 1+, और नाइट्रेट की बैलेंसी होती है आपकी 1-, तो AgNO3 बन गया था और सिल्वर हो गया Ag। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जिंक ने सिल्वर नाइट्रेट में से नाइट्रेट को क्या कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया, और क्या बना लिया उसने, जिंक नाइट्रेट, और आपका सिल्वर बेचारा अकेला रह गया, तो ये जो रिएक्शन है ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस। ठीक है, तो देखिए बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जिंक देखते हैं, हमारे पास 1, यहाँ पे कितना है 1, बैलेंस है। सिल्वर देखते हैं यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1, ये भी बैलेंस है। नाइट्रेट मतलब NO3, अब नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 2, तो नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। NO3 हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितने हो गए, 3×2=6 ऑक्सीजन, या फिर आप इस तरीके से देख लीजिए कि यहाँ पे NO3 कितना है 1 और यहाँ पे NO3 कितना है आपके पास 2, तो कुल मिला के आपको NO3 2 चाहिए, और 2 करने के लिए आपको क्या रिएक्टेंट में करना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ AgNO3, और ऐसा करने से जो आपका सिल्वर है वो 2 हो गया, और प्रोडक्ट में कितना है 1, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो आपकी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो आपकी बनी Zn प्लस ट्वाइस ऑफ AgNO3, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ Ag, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ 7C, ये आपको दे रखा है एल्यूमिनियम
प्लस कॉपर क्लोराइड, ये बन गया आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस कॉपर। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन नोट डाउन करेंगे। इक्वेशन है, एल्यूमिनियम होता है हमारे पास Al, कॉपर होता है हमारे पास Cu, क्लोराइड होता है Cl। Cu कॉपर की वैलेंसी 2 प्लस, क्लोराइड की वैलेंसी 1 माइनस, तो ये हो गया Cu Cl का होल ट्वाइस। और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस, क्लोराइड की वैलेंसी 1 माइनस, कॉपर हो गया आपके पास Cu। ये भी हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एल्यूमिनियम ने कॉपर क्लोराइड में से क्लोराइड को डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया। अब इसको बैलेंस करेंगे तो देखते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, एल्यूमिनियम को अभी टच नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम टच करते हैं क्लोराइड को। देखिए यहाँ पे 2 है हमारे पास क्लोराइड, और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास क्लोराइड आयन 3 है, और 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, क्योंकि हम 2 को 3 नहीं बना सकते, 3 को 2 नहीं बना सकते, तो हम इन्हें 6 बनाएंगे। तो 6 बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। तो देखो अब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 3 Cu हो गए और 6 Cl हो गए। प्रोडक्ट में देखेंगे हमारे पास 2 Al हो गए, तो 2 Al को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में जो एल्यूमिनियम है उसमें 2 लिखना पड़ेगा, और हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें कॉपर कितने हो गए 3, तो प्रोडक्ट में भी कॉपर के आगे 3 लिखेंगे, और क्लोराइड हमारे ऑलरेडी बैलेंस हैं, 3 × 6 और 3 × 6। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनी यहाँ पर, वो बनी ट्वाइस ऑफ Al प्लस थ्राइस ऑफ Cu Cl2, ट्वाइस ऑफ Al Cl3 प्लस थ्राइस ऑफ Cu। ठीक है, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ डी, आपको दे रखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड होगा आपका BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम होता है आपके पास K बैलेंसी प्लस 1, और सल्फेट होता है आपके पास SO4 विद बैलेंसी 2 माइनस, ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, फिर आपके पास बचा बेरियम सल्फेट, और आपको उसने दिया है पोटेशियम क्लोराइड। देखिए ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये जो रिएक्शन है ये है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड में से निकल के क्लोराइड आयन पोटेशियम के पास चला गया, और जो सल्फेट आयन है वो बेरियम ने ले लिया। इस इक्वेशन को अगर हम नोट डाउन करते हैं तो ये होता है हमारा BaCl2 प्लस K2SO4, और ये बना BaSO4 बेरियम 2 प्लस सल्फेट 2 माइनस, इसलिए BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, K 1 प्लस और Cl 1 माइनस, तो KCl बना। जैसे NaCl बनता है वैसे ही KCl बनता है। ठीक है, दोनों की वैलेंसी 1 प्लस होती है, पोटेशियम होता है आपका K। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो बेरियम 1, बेरियम 1, Cl हमारे पास यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ KCl कर देंगे। K कितना है 2, यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ट्वाइस KCl हम लिख चुके हैं, SO4 1, SO4 1। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई वो बन गई हमारी BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ KCl। और क्वेश्चन नंबर 7 इसी के साथ हमारा हो गया कंप्लीट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, एक पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और साथ के साथ आपको इसमें बताते हुए चलना है कि ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है। चार टाइप हमने पढ़े हैं ना, फोर टाइप्स,
उसमें से बताना है ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेज ऐड कर लेते हैं, और ये तो लास्ट वीडियो का है तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट दे रखा है आपको पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम के ब्रोमाइड होता है Br। ठीक है, तो ब्रोमाइड Br की बैलेंस ही होती है 1-, जैसे आपको होता है ना क्लोराइड फ्लोराइड, उसी ग्रुप में आता है ब्रोमाइड। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो बोलने में भी एक जैसे लगते हैं और उनकी बैलेंस भी सेम होते हैं, जैसे क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ऑप्शन 8 का ये कर रहे हैं हम, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम होता है आपके पास Ba और आयोडाइड की बैलेंस होती है आई होती है और बैलेंस होती है 1-, जैसे ब्रोमाइड है ब्रोमाइड के साथ ही आयोडाइड। ठीक है, देखो क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये चारों की बैलेंसी 1- होती है, तो ये हो जाएगा BaI2 और आपका क्या बनना है यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड क्या हो जाएगा Ki, क्योंकि पोटेशियम 1+ और आयोडाइड 1-, और बेरियम ब्रोमाइड हो जाएगा BaBr2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अगर देखते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, पोटेशियम ने क्या ले लिया आयोडाइड और बेरियम ने क्या ले लिया ब्रोमाइड, तो ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, और दोनों रिएक्टेंट में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये क्या रिएक्शन हो गई आपकी, रिएक्शन का नेम है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिएक्शन का नेम किस विस टाइप ऑफ रिएक्शन इज। अब इसको बैलेंस भी करते हैं, तो देखिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे पोटेशियम 1 पोटेशियम 1 Br 1 लेकिन यहाँ पे Br है 2, तो Br को हमें रिएक्टेंट में 2 करना पड़ेगा, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे ट्वाइस ऑफ KBr। ट्वाइस ऑफ KBr करने से हमारा पोटेशियम 2 हो गया, प्रोडक्ट में क्या है 1, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा ट्वाइस ऑफ Ki। अब चेक करते हैं, देखिए पोटेशियम कितना है 2 पोटेशियम 2 Br2 Ba1 मतलब क्या हो गया आपका ये बेरियम 1। ठीक है, और I2 तो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई ट्वाइस ऑफ KBr प्लस BaI2 पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड, और ये आपका बन गया ट्वाइस ऑफ Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस आपका बन गया ये बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, और इक्वेशन है आपकी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, अगला दे रखा है आपको ये जिंक कार्बोनेट और इससे बना आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। लिखने से पहले ये तो बहुत इजी है बताना कि ये कौन सी रिएक्शन है। देखो जिंक कार्बोनेट नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 1, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो ये इक्वेशन कौन सी होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये टाइप है डिकम्पोजिशन का। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा ZnCO3। बी क्या दे रखा है आपको जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया ZnCO3। ठीक है, और ये हो गया जिंक ऑक्साइड, और क्या बनाया इसने सॉरी बनाया नहीं डिकम्पोज हुआ ये कार्बन डाई ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड हो गया आपके पास ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई आपके पास CO2। टाइप ऑफ द रिएक्शन है आपके पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
ये आपको नोट्स में लिखने हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। वीडियो में से वीडियो आप पॉज कर कर के पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद वीडियो पॉज करके और आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में। केवल वीडियो नहीं देखनी है, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इसे वीडियो देखेंगे और आपका काम फिनिश, नोट डाउन करना है आपकी कॉपी में। मैं अब ये दोबारा नहीं कराऊंगी, ये आपको कंप्लीट होता हुआ चल रहा है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं पॉलिनोमियल स्टार्ट करूंगी मैथ्स का सेकंड चैप्टर। तो आप वो रजिस्टर कॉपी लेके बैठनी है, अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। ये होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इसको देखो बैलेंस अगर हम करें तो देखते हैं जिंक वन जिंक वन, कार्बन वन कार्बन वन, ऑक्सीजन थ्री और ऑक्सीजन वन एंड टू थ्री। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो यहाँ पे बस इतना लिख देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी ZnCO3। सॉरी यहाँ पे एरो रह गया था लगाना, ये ZnO प्लस CO2। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, आपको दे रखी है इक्वेशन हाइड्रोजन और क्लोरीन बोथ आर गैस, और देखिए इसमें लिखा है साइड से ये जी, दैट मीन्स ये गैस है। और ये क्या बना रही है आपकी हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पर भी गैस लिख रहा है और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, चलिए पहले मैं इसको नोट डाउन करती हूँ। हाइड्रोजन मीन्स H2, ठीक है, क्लोरीन मीन्स Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बनेगा आपका HCl। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर HCl को हम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, लेकिन जब इसको लिक्विडाइज कर देते हैं HCl को लिक्विड फॉर्म में, जब HCl होता है उस फॉर्म में ये होता है एसिड, तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो डोंट बी गेट कन्फ्यूज्ड। अब इसको बैलेंस करेंगे, बहुत सिंपल है बैलेंस करना, 2H 2Cl 1H Cl, यहाँ पे क्या कर देंगे ट्वाइस लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ट्वाइस HCl, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी H2 प्लस Cl2 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ HCl। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स 2 बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट सिंगल है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ इक्वेशन कौन सा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, डी आपको दे रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, इसमें लिखा है एस, एस फॉर सॉलिड, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ इसने क्या करा रिएक्शन और इसने क्या बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड। और क्या रह गया आपका यहाँ पर लेफ्ट, दैट इज हाइड्रोजन, दैट विल बी योर सेकेंड प्रोडक्ट। सबसे पहले इक्वेशन नोट डाउन लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम 2 प्लस क्लोराइड 1 माइनस और हाइड्रोजन गैस निकली आपकी, ठीक है। तो इसने क्या करा, मैग्नीशियम ने HCl में से Cl को डिस्प्लेस कर दिया, तो नेम ऑफ द रिएक्शन तो आपकी क्या हो गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने देखा चार क्वेश्चन हैं इसमें और चारों आपके कैसे निकले एक एक टाइप के। और इसको अगर हम बैलेंस करें तो देखिए Mg1 HCl1 मतलब हाइड्रोजन 1 Cl1, यहाँ पे Cl2 और हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 2। तो बस हो गई आपकी बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी Mg प्लस ट्वाइस ऑफ HCl और ये बन गया आपका MgCl2 प्लस H2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, ठीक है। तो आपको दो वीडियो अब मिल जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। सब अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में।